हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं जिन्हें पूजा जाता है। इसमें से एक है भगवान शिव, जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी भी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें त्रिलोकपति भी कहते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना जहाँ की जाती है उसे शिवालय कहते हैं, और हमारे देश में कई शिवालय हैं। शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहाँ शिवालय नहीं होगा। संभवतः हर गांव में शिवालय है। यही कारण है कि भारत एक शिवालयों का देश है। इन शिवालयों में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। हर शिवलिंग की स्थापना के पीछे कोई न कोई कहानी है, लेकिन आज हम ऐसे शिवलिंग की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही शिव मंदिर का जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस मंदिर में ऐसा क्या है जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। तो आपको बता दें कि इस शिव मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जिस पर हर 12 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि ऐसा सच में होता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नाम का एक जगह है जहां भोलेनाथ का एक रहस्यमयी शिव मंदिर है। इस मंदिर के शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है। यही कारण है कि इस शिवलिंग को बिजली महादेव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस दौरान मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर पार्वती और व्यास नदी का संगम भी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव द्वारा एक दैत्य का वध करने के बाद उसका शरीर एक सांपनुमा घाटी के रूप में तब्दील हो गया, जिसके बाद से ही देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ की आज्ञा लेकर इस मंदिर के शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार बिजली गिराते हैं। इस दौरान बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग पर मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं ताकि महादेव को दर्द से राहत मिल सके। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोग शिवलिंग को मक्खन महादेव भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस घाटी में कुलांत नाम का एक दैत्य रहता था जो बहुत ही मायावी था। एक बार उसने जीवों को मारने के लिए व्यास नदी को रोक दिया। कहा जाता है कि दैत्य के इस रवैये से महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इस दैत्य को मारने का मन बना लिया। इसके लिए भगवान शिव ने भी एक माया रची और उसी माया के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दैत्य के सिर पर वार कर दिया और इस तरह कुलांत मारा गया। कहा जाता है कि उसके विशालकाय शरीर एक पहाड़ में तब्दील हो गया जिसे हम कुल्लू के पहाड़ के नाम से जानते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने कुलांत दैत्य को मार दिया उसके बाद उन्होंने इंद्र से कहा कि वे हर 12 साल पर बिजली गिराए। बिजली गिरने से शिवलिंग टूट जाता है जिसे यहाँ के पुजारियों द्वारा इसे मक्खन से ठीक कर दिया जाता है जो बाद में कठोर हो जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव अपने ऊपर बिजली इसलिए गिराते हैं ताकि जनधन की हानि न हो। कहा जाता है भगवान शिव खुद बिजली के झटके को सहन करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं।